बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। मगर उससे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने पूरी एक मुर्गी ले ली है साबत, और उसके अंदर मैंने इसको डीप कट्स लगाए हैं ताकि जो मसाला इसमें अच्छे तरीके से रच जाए। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे। मैंने 250 ग्राम दही लिया है जो एक मुर्गी के लिए काफ़ी है, आधा कप सिरका, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 चम्मच जो है अजवाइन हमने ली है, 2 टेबलस्पून हमने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है, 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने मछली मसाले का इस्तेमाल किया है, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच जर्दा रंग, 2 टेबलस्पून जो है हमने सुर्ख मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है, और 1 चम्मच नमक आपने हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करना है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। अब मैं इन तमाम मसालों को दही के अंदर मिक्स करूंगी और इसको मुर्गी पर लगाऊंगी। एक खुला बर्तन ले लिया मैंने परात, उसके अंदर मैंने 1/2 कप जो सिरका है वो लेकर मुर्गी के ऊपर अच्छी तरीके से इसको लगा दिया ऊपर नीचे। अब हम दही लेंगे, दही के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले ऐड करेंगे, और इनको अच्छे से मैं मिक्स करती जाऊंगी। अब मैं मुर्गी को इसके अंदर रखकर सारे मसालों को अच्छी तरह मुर्गी पर लगाऊंगी। जो कट्स हैं हमने इसके अंदर भी लगाने हैं अच्छे से, ताकि नमक मिर्च जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको जो टांगे हैं वो एक धागे से बांध दूंगी, ये बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे स्टेप है, और मैं 24 घंटे के लिए यानी कि पूरे एक दिन रात के लिए इसको छोड़ दूंगी मसाला लगा के। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको पूरी रात जो है वो मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दिया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अगर आपने असल लाहौरी चरगे मज़ा लेना है तो फिर आपने इसको लाजमी 24 घंटे के लिए रखना है, ये 2-4 घंटे वाला काम नहीं चलना। तो इसलिए मैंने इसको पूरा 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये मैरिनेट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टीम करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक खुले मुँह वाला पैन, जैसा कि मैंने ये कढ़ाई ले ली है जिसका थोड़ा सा ये नीचे वाला हिस्सा मोटा है, इस तरह से आपने ये कढ़ाई या पैन जो है वो अपना ले लेना है, और उसके अंदर जो चिकन है वो आपने इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद ये जो दही वाला पानी है हमारे पास, जो मसाले वाला है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी जो चिकन की दोनों टांगे हैं उसको मैंने एक धागे के साथ बांध दिया, ये बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर इसको हमने लाजमी बांधना है ताकि ये टूटे ना। तो चलिए अब मैं इसको कवर करके चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। पहले 1-2 मिनट जो है मैं इसको तेज आंच पर पकाऊंगी, जैसे इसको सेक लगना शुरू करेगा हम मीडियम लो आंच कर देंगे, और हर 7 मिनट बाद हम ईच साइड इसको पकाएंगे, पहले 7 मिनट इस साइड से फिर 7 मिनट, और इस तरह आपने कवर करके छोड़ देना, और 1 मिनट बाद जो मैं आंच है उसको स्लो कर दूंगी। अब 7 मिनट हो चुके हैं, ये आप देखें कि इसने पानी वगैरह अपना खुद ही छोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ 2 चम्मच ले लेने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये टूटे ना। और अब मैं फिर इसको कवर करके 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब फिर से 7 मिनट हो चुके हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप ये देख सकते हैं यहाँ यहाँ से कि गोश्त जो है वो हमारा बिल्कुल
नियर टू कुक है, ये पकने वाला है। अब हम मजीद क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह से जो चरवे की रियल लुक है वो आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं गोश्त की पोजीशन को कि ये पक चुका है, लेकिन बस हम मजीद इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। चलिए व्यूअर्स, अब 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है और अब हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो स्टीम रोस्ट था उसको मैंने डिश आउट कर लिया है। हमने इसको प्याज टमाटर और हरी मिर्चों के साथ सर्व किया है। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ मैं आज आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, वो तमाम लोग जो डाइट कॉन्शियस है, जो ऑयल और घी नहीं खाते, तो उनके लिए ये बेस्ट डिश है, इससे उनका वेट भी गेन नहीं होगा। तो इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। इसको घर पे ट्राई करें, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।